आज हम पढ़ेंगे लघुत्तम समापवर्त या एलसीएम, इंग्लिश में एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो देखो प्यारे बच्चों, एलसीएम कैसे निकालते हैं। आप बहुत से नंबर देखे होंगे, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 20, यहाँ पर लिख दिया 10, बोल दिया कि इसका कॉमन मल्टीपल बताओ या समापवर्त बताओ, तो आप कैसे निकालोगे प्यारे बच्चों। तो देखो, पहले हम इससे जानने से पहले कॉमन मल्टीपल समझते हैं। कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है समापवर्त, ठीक है। अब देखो लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम मतलब छोटा, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल बता दो, गुणज कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लघुत्तम समापवर्त, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, पहले मल्टीपल समझते हैं। मल्टीपल क्या होता है, तो मल्टीपल ये होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर है प्यारे बच्चों, 5 है, तो 5 के आगे 5 से कटने वाले कौन कौन नंबर होंगे तब बता दोगे। 5 से डिवाइड कर दे 10 कर देगा, 15 में कर देगा 20 में, ऐसे चलता जाएगा। 5-5 जोड़ते जाओगे तो 5 से कटेगा, देखो 5 × 5, 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 5 × 20। तो ये जितने सारे हैं ना प्यारे बच्चों, ये क्या है, मल्टीपल हैं। तो मल्टीपल उस नंबर को बोलते हैं जो 5 से डिवाइड करने पर पूरा का पूरा कट जाए, मल्टीपल मतलब गुणज, ठीक है। अब मैं बोल दूँ 2 से कौन कौन कटेगा प्यारे बच्चों, तो 2, 4, 6, 8, 10, तो 2 से 2 भी कट जाएगा प्यारे बच्चों, देखो 2 × 2, 2 × 4। अब मैं बोल दूँ सबसे छोटा मल्टीपल 2 का क्या है प्यारे बच्चों, तो सब आंसर दोगे 2 सर जी, क्योंकि 2 ही तो सबसे छोटा है कॉमन मल्टीपल। कॉमन मतलब दोनों में हो, कॉमन मल्टीपल नहीं लिखेंगे यहाँ पर, सबसे छोटा मल्टीपल यानी स्मॉलेस्ट मल्टीपल, सबसे छोटा मल्टीपल क्या है प्यारे बच्चों, 2। कॉमन कब बोलते हैं, जब दो लोग होते हैं तब ना कॉमन बोलेंगे, कि इसमें भी है और इसमें भी। अब देखो कॉमन कैसे समझेंगे, यहाँ पर 10 है प्यारे बच्चों और यहाँ पर आप ले लेते हैं 8, अब बोलना है इसका कॉमन मल्टीपल बताओ। देखो 10 से कौन कौन नंबर कटेगा, 10, 20, टेबल पढ़ लो उसका, नहीं पढ़ पा रहे तो 10 जोड़ते जाओ, 8 का मल्टीपल शुरुआत 80 से होगा, 8, 16, 24, 32, 40, एक मिल गया हमें कॉमन, मिल गया कि नहीं, तो कॉमन मल्टीपल क्या होगा 40। तो हम क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कॉमन मल्टीपल इज 40, ठीक है। कॉमन मल्टीपल कितना हो गया 40। कॉमन मतलब दोनों में हो, मल्टीपल मतलब गुणज, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम मतलब छोटा, समापवर्त मतलब समझ रहे हो कॉमन मल्टीपल, कॉमन दोनों में हो, ये छोटा है प्यारे बच्चों। देखो अब कहीं कॉमन मिल रहा था ना, इसी देह पे मिला, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं प्यारे बच्चों, एलसीएम भी, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। तो ये सब चीज़ें हमने समझा एलसीएम जानने से पहले। अब सीखते हैं एलसीएम कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों। इतना चीज़ें आप देख लीजिएगा, एक बार मैं और बता दे रहा हूँ, मल्टीपल उस नंबर को बोलते हैं जो उससे कट जाए। जैसे मैं बोल दूँ बाबू 8 का मल्टीपल बता दो, तुम बोलोगे 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, तो 8 भी कट जाएगा, 16 भी कटेगा, 24 भी कटेगा, लेकिन सबसे छोटा क्या होगा, पहला वाला 5। इस तरह मैं बोल दूँ 8 का सबसे बड़ा मल्टीपल बताओ, तो बता दोगे नॉट पॉसिबल, तो बिग मल्टीपल नहीं बता सकते हो, वो कहाँ जाएगा, कोई उसका एंड नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हम छोटा वाले पर ज़्यादा समझते हैं। अब बात आती है एलसीएम कैसे, दो तरीके हैं। देखो यहाँ पर मान लो 20 लिखा, यहाँ पर 30, तो एलसीएम निकालने से पहले आप बहुत तरीके सिखा दिए मैंने कि मल्टीपल भी कर सकते हो। तो पहला तरीका क्या था, 20 किसी का 20, 40, छोटा नंबर लो तुम्हें समझ में आएगा इजीली, 2, 4, 6 ऐसे लिखते जाओ, 3, 6, 9, ओ ये मिल गया कॉमन, मिल गया ना, तो यही कॉमन मल्टीपल है, सबसे छोटा है, तो क्या हो जाएगा एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब दूसरा तरीका प्यारे बच्चों, दूसरा तरीका ये है कि आप 2 को यहाँ पर लिखिए, 3 को यहाँ पर लिखिए और इसे एक लाइन खींच दीजिए। अब देखो सब शुरुआत करते हैं 2 से, क्यों शुरुआत करेंगे 1 से नहीं, क्योंकि 1 सभी नंबरों को कटा देगा, 1 × 2 = 2, 2 आ गया, 1 × 3 = 3, तो 1 को लेना है ही नहीं, 2 से चालू करना, छोटा ये 2 × 2 कट गया, ये नहीं कटेगा, उतार दो, जो कट जा रहा है लिख दो, 2 × 2 = 2, 1 आया 1 लिखा, ये नहीं कटेगा उतार दो। अब देखो 3 × 3 = 3, 1 तो होता है, 1 का कोई मतलब नहीं, 1 से कटा हुआ तो 1 चलता रहेगा, 3 × 3 = 3। तो बस दो लोग आए, तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 2 × 3 = 6,
एलसीएम का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्त, कॉमन मल्टीपल समापवर्त। ठीक है, ये तरीके दो तरीका, एक तरीका ये हो गया प्यारे बच्चों, एक तरीका ये हो गया, और एक और तरीके एक्ट है 16 और 20। बोल दिए बाबू एलसीएम निकालो तो बहुत आसान है, मैंने बोला दूसरे शुरुआत करना, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20, जितनी बार कटा है ना 2 4 जा 10, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 5, 5 1 जा 5, हो गया प्यारे बच्चों। अब प्यारे बच्चों एलसीएम निकालना था तो कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, 2 into 2, 2 into 2, यानी 40। एलसीएम इज यू रेडी, सही है 40, तो दोनों की 40। ठीक है, तो क्या आप समझे प्यारे बच्चों? ठीक है, तो ये एलसीएम 40, थोड़ा गलती है क्या, हो जाएगा 16, सॉरी मल्टीप्लाई गलत हो गया प्यारे बच्चों, 80 होगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई तो 16 देगा, 5 30। ठीक है, तो एलसीएम निकालना आपने सीख लिया, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब आपके लिए क्वेश्चन है घर पे प्यारे बच्चों, ट्राई करिएगा, 14 है और 20 है पहला क्वेश्चन, आप आराम से बैठ के एलसीएम निकालना। नहीं आएगा तो दो तरीका अपनाना, मैंने तरीका बताया, जैसे 2 का टेबल पढ़ लेना, ऐसे ही 14 का टेबल लिख लेना, 20 का टेबल लिख लेना, देख लेना पहली बार कौन मैच कर रहा है, वही एलसीएम है। जैसे यहाँ पर देखो 6 मैच कर गया, तो दिस 6 इज ए एलसीएम। अब फिर ऐसे लगा लेना तरीका, इस तरीके से कर लेना, और एलसीएम निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देना। बहुत ईजी एलसीएम सीखना प्यारे बच्चों। तो हमने आज क्या जाना, एलसीएम निकालना, उससे पहले क्या जाना, कॉमन मल्टीपल, उससे पहले क्या जाना, मल्टीपल, मल्टीपल मतलब गुणज, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, जय हिंद।